नमस्कार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम मोदी रखेंगे नए संसद भवन की आधारशिला, बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। समारोह की शुरुआत गुरुवार दोपहर 1 बजे होगी। देश भर में खुलेंगे करोड़ डेटा सेंटर, इसके लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, कारोबार होगा आसान। सरकार का प्रस्ताव खारिज, अब और तेज होगा आंदोलन। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, अफसरों से बोले शिवराज, कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है, हर माह H1D दिए जाएंगे जिस पर काम करना होगा। छतरपुर में मौत का कुआं, सड़क किनारे बगैर बाउंड्री के कुएं में गिरी बारातियों से भरी कार, 6 की मौत 3 घायल। मध्य प्रदेश में ठंड के तेवर नरम पड़े, फिर करवट लेगा मौसम, रात भर में तापमान बढ़ने से ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करी है। इसमें मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना, कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हर जिले में मिलावटखोरों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का अपडेट ले रहे हैं। आपको बताते चलें, पिछली बैठक 13 नवंबर को हुई थी। पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है, सुशासन देने का प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है। और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें, बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मैं एक बात साफ कर दूं कि अलग सरकार है, यहां पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा, पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में यह सब नहीं चलता। और लक्ष्य एक ही है, जनता को सुशासन देना। एक अभी सीएस आपको बता रहे थे, एक एजेंडा दिया गया है, हर महीने एजेंडा भी हम देंगे फोकस्ड, जिन पर आपको काम करना है। और वो एजेंडा लगातार कई महीनों भी चल सकता है किसी विषय पर, उसको समय समय पर तय करेंगे। तो फोकस्ड एजेंडे पर तो काम करना ही है, लेकिन उससे रूटीन गवर्नेंस प्रभावित ना हो जाए। रूटीन गवर्नेंस मतलब रोजमर्रा के जनता के काम, उसको चक्कर ना काटना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। और काम मतलब हर विभाग के, और जब आप सोचें, जब आप फैसला करें, तो एक बात जरूर सोचें, आप सामने अफसर के रूप में कुर्सी पर बैठे, लेकिन टेबल के उस पार बैठे व्यक्ति के बारे में अगर आप उस जगह होते तो क्या सोचते। वो अपने काम के लिए आ रहा है, आग्रह कर रहा है, आवेदन दे रहा है, अगर आपके हाथ में आवेदन होता तो आप कैसा महसूस करते अपने काम के। जब सोचना किसी तरीके से सोचना है, उसमें रास्ते निकालना है, काम रोकना नहीं,
कई बार काम न करने के तरीके निकाल लेते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। लोगों की भलाई के लिए जो काम होना है वो होना है, उसके लिए रास्ते निकालना है। इसे दोनों चीज, रूटीन गवर्नेंस वो हमारी प्राथमिकता, वो कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी फोकस्ड एजेंडा, उस पर हमको पूरी ताकत से काम करना है। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण और विकास के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं जुनूनी हूं, मैं 24 घंटे एक ही धुन है मुझे, और आप चाहे वो वल्लभ भवन में बैठे अफसर हो, शासन के वो प्रतिनिधि है जिनको इन चीजों को जमीन पर उतारना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने तैयार किया, उसको समय सीमा में जमीन पर ले जाना है। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, ये सीधे व शासन के प्रतिनिधि है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है सीधे सीधे। और फिर जैसी तरफ मुख्यमंत्री के दिल में है वैसी तरफ आपके दिल में होना चाहिए, तो ही आप काम करने के अधिकारी हैं। और इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा, आप भी अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मेरा किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको कंधे पर बैठाऊंगा मैं, और जिसने गड़बड़ की उसको हटाने में एक क्षण नहीं लगाऊंगा मैं। कोई राग द्वेष नहीं मेरा, मुझे केवल काम से प्रेम है। हमारी प्राथमिकता अपनी जनता, और ये कम्युनिकेशन वाला मामला मैं सबसे कह रहा हूं, ये लोकतंत्र कम्युनिकेशन चाहिए, संवाद चाहिए, और संवाद जनता से नंबर एक। हम इतने बड़े बन जाए कि कोई मिल ही नहीं पाए, ये नहीं चलेगा। कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर, आईजी की कोई शोभा की वस्तु नहीं है, उनको भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। कलेक्टर, एसपी सीधे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार वो आदर्श स्तर का चाहिए, तो ही वो रहने के अधिकारी। उनसे लगातार जनता से कम्युनिकेशन, जनप्रतिनिधियों से कम्युनिकेशन, और एक बात कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्यकर्ताओं का सम्मान भी चाहिए, जनता का भी सम्मान, जनता सबसे ऊपर है, और जनता का कल्याण। इसलिए कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और इसी आधार पर हम काम के आधार पर विभागों की भी रेडी करेंगे। अभी सीएम डैशबोर्ड हम प्रारंभ करने वाले हैं, विभागों की भी रेटिंग होगी, रैंकिंग होगी, विभागीय अफसरों या कलेक्टर, एसपीओ, जिलों की भी हम रैंकिंग करेंगे, कौन सा अच्छा जिला है, कौन सा खराब जिला है, किसी योजना में कौन कहां खड़ा है, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा सब कुछ, कौन सा विभाग अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, एजेंडा तय होगा, उस पर काम करना है, और परफॉर्मर ही रहेगा, इसलिए बेटर परफॉर्म करें। ये मौका मिला है हमको लोगों की सेवा का, मध्यप्रदेश बनाने का, इसमें सब परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करें, बाकी जो बातें वो एजेंडे के साथ साथ हम लगातार करते जाएंगे। लेकिन फिर रूटीन गवर्नेंस सबसे बड़ी प्राथमिकता है, रोजमर्रा के जनता के काम में सुविधा, समय पर काम, बिना लिए दिए काम। और एक बात और अंत में मैं कह दूं, अगर हमने समाधान ऑनलाइन किया तो
लिपिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी हमने, इसकी ये नहीं चलेगा। मॉनिटरिंग करने की जवाबदारी कौन की है? अगर जनता का काम नहीं हुआ तो मॉनिटरिंग करने की जिसकी जवाबदारी उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। कृषि कानून पर सीएम शिवराज ने कहा कि किसान हमारे भगवान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा संकल्प किसानों की आय को दोगुना करने का है। उस दिशा में लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। ये तीनों कृषि कानून उस दिशा में है, क्रांतिकारी कदम है जो किसानों की जिंदगी बदल देंगे। किसान हमारे भगवान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा संकल्प है किसानों की आय दोगुना करने का। उस दिशा में लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। ये तीनों कृषि कानून उस दिशा में क्रांतिकारी कदम है जो किसानों की जिंदगी बदल लेंगे। लेकिन वो नेता जिन्होंने अपने शासन में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, राहुल गांधी, शरद पवार जी, कांग्रेस और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया, वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के पास, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या जा रहे हैं? ये दिवालियापन नहीं तो क्या है? इन्हें जनता ने नकार दिया, किसानों ने धकेला दिया, इनका आह्वान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए, ये किसानों की बदहाली के जवाबदार लोग हैं। सब तरफ से नकारे जाने वाले लोग आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके पाखंड को पहचान चुकी है। मध्य प्रदेश में बंद इनके द्वारा जो आह्वान किया था पूरी तरह से विफल हो गया। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बंद को विफल किया और इस विश्वास के साथ कि किसानों के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार सबसे पहले किसानों की और गरीबों की सरकार है, उनकी भलाई और कल्याण के लिए लगातार कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दुर्गापुर बंगाल में कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। इसके साथ क्या कुछ का आपको दिखा देते हैं। अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये हमारे मूल इश्यू है। ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ के फेंकना, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल को जोड़ना और पश्चिम बंगाल का विकास करके पुनः इसको शीर्ष की ओर ले जाना। बार बार ममता बनर्जी आरोप लगा रहा है, ना दे रहे हैं, वो तो लागू कर नहीं रही। वो पहले इसका जवाब ने कि आयुष्मान योजना यहाँ पर लागू क्यों नहीं की जो सिर्फ गरीब के लिए ही थी। किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 10,000 मिल रही है किसान को, वो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है ये तो बताएं। वो पहले वो यहाँ पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बातों के बतासे फोड़ना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है। जिस विषयांतर करने में उनकी मास्टरी है, दूसरा विषय छेड़ दो जिससे लोग विकास की बात नहीं करें। कृषि बिल पे भी कमोबेश ऐसा ही कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि MSP बंद हो जाएगी, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। न तो मंडियाँ बंद होने वाली है, न MSP बंद होने वाली है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। जैसे ही किसान की समझ में ये आएगा, ये फिर दूर हो जाएंगे लोग इससे। ये सिर्फ ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। कितने तरह के हास्य और व्यंग के चुटकुले आ रहे थे उस समय जब CA आया था, बोले अब्बू के वसीयत के कागज बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गए, अब कागज कहाँ से लाएंगे, ऐसी बातें करते थे। ये हास्य और व्यंग की बातें करके बरगलाने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को नौछावर कर चुका हो, नरेंद्र भाई मोदी, वो कैसे ऐसा कानून लाएगा जो देश विरोधी होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में BJP पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।
नगरीय निकाय किसी भी शहर और कस्बे के विकास की कड़ी है और कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को ताक पर रख करके मेयर के चुनाव अप्रत्यक्ष थोपने की कोशिश की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस निर्णय को बदल कर एक बार फिर से साबित किया कि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है और जनता सीधे अपना मेयर चुने, अपना अध्यक्ष चुने, इसका निर्णय सीधा जनता को लेना चाहिए। सीएम की आज हुई कलेक्टर एसपी के साथ समीक्षा बैठक पर शिवराज सरकार की सोच ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो। हमने देखा है कि 15 साल हमारी सरकार में विकास हुआ। कई दिनों से सिरोंज पुलिस अपनी पूरी तत्परता से गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में एक पुराने गांजा तस्कर को सिरोंज पुलिस ने पकड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए सिरोंज नगर अधीक्षक योगेंद्र धांगी ने बताया कि लगभग 15,000 का गांजा एक पुराने तस्कर से पकड़ा गया है। सब लोगों ने इसको तत्परता से लेते हुए नया पुराने जो मुखबिर ने सूचना दी थी कि सूरज लोधी नाम का व्यक्ति पहले भी गांजा बेचता रहा है और अभी भी उसने अपनी गतिविधियां फिर से प्रारंभ कर दी है। जब वहां जाकर इस टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा तलाशी की गई, इनके घर से 1 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा हमें प्राप्त हुआ, जिसको विधिवत मौके पर से पुलिस टीम ने जब्त करके इसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 559/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम करके इसको गिरफ्तार किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैतूल पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष व पूर्व विधायक विनोद डांगा को उन्होंने उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कृषि बिल को लेकर बयान दिया, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी जिद्दी हैं, किसानों के हित में उन्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। कौन साजिश करेगा? बात यह है कि हर चीज में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी जो उनसे सहमत नहीं, या तो वो देशद्रोही है या साजिश करता है या राष्ट्रहित में काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है, प्रजातंत्री व्यवस्था में हम सब राष्ट्रहित की बात करते हैं, कोई देशद्रोही नहीं है। कोई देशद्रोही है तो उसको बंद करिए, उजागर करिए, लेकिन जो हमारी बात ना माने वो देशद्रोही, ये तो लोकतंत्र की मूल धारणा के ही विपरीत है। खबर पंधाना से है, जहां पर विधानसभा के ग्राम छहगांव माखन में सरकार द्वारा मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए 30 बिस्तर वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के रहने के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मियों को बेहद परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं 30 बिस्तर वाले इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 21 स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ है, 2 डॉक्टर एवं 1 कर्मचारी नए क्वार्टर में निवास कर रहे हैं, बाकी 5 स्वास्थ्य कर्मी पुराने आवास में निवास कर रहे हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के चलते इन कोरोना योद्धाओं के लिए शासकीय आवास की दरकार है। स्वास्थ्य विभाग के पास क्वार्टर्स बनाए जाने के लिए जगह भी उचित बताई जा रही है, फिर भी शासन इसे अनदेखा क्यों कर रहा है, ये समझ से परे है। सर, हमारे पास अभी 8 क्वार्टर अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 की कंडीशन बहुत अच्छी है और 5 क्वार्टर्स की कंडीशन बहुत जर्जर हालत में है, और इसके लिए हमने यहाँ से ब्लॉक लेवल से प्रपोजल बना के अपर कार्यालय को सूचित कर दिया है।
वहाँ से जैसे ही एस्टिमेट बन के और काम चालू होता है तो हमारे स्टाफ को रहने की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। खबर एमपी के सतना से है, जहां पर केजीएस के संचालक पवन अहलूवालिया के घर आज इनकम टैक्स का छापा मारा गया। आपको बताते चले, सुबह 7 बजे 70 संसदीय इनकम टैक्स की टीम और 70 गार्ड सर्च कार्रवाई को करने पवन अहलूवालिया के घर पहुंचे। वहीं पर टीम ने केजीएस फैक्ट्री, पवन अहलूवालिया का घर, डायरेक्टर सिंघाई और लॉजिस्टिक हेड त्रिपाठी के घर को अपने कंट्रोल में ले लिया और पूछताछ व दस्तावेजों को का अवलोकन शुरू कर दिया गया है। मंदसौर के नहरगढ़ को प्रशासन ने पीडीएस के चावल का एक बड़ा भंडार पकड़ा है, जहां एक निजी गोडाउन से लगभग 198 क्विंटल राशन की दुकान के चावल बरामद किए गए। दरअसल कलेक्टर मनोज पुष्प को सूचना मिली कि गरीबों में बांटने वाला चावल अवैध रूप से भंडारित किया जा रहा है। कलेक्टर ने मौके पर एसडीएम बिहारी सिंह, तहसीलदार वैभव जैन के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भेजवा, जिसके बाद प्रशासन ने गोडाउन को सील कर दिया। साथ ही साथ नहरगढ़ में संचालित होने वाले 2 पीडीएस की दुकानें भी सील कर दी गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एम सीतामऊ और नायब तहसीलदार सीतामऊ और उस इलाके के फूड के ऑफिसर्स वहीं मौके पे ही हैं। संबंधित दुकान के गोदाम को सील किया जा रहा है। जिन पीडीएस के शॉप से इस सामान के आने की संभावना बताई जा रही है उनको भी सील किया जा रहा है। इसकी सख्ती से जांच की जा रही है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी इनिशियल जानकारी निकालने के बाद और जो जांच चल रही है उसके बाद इसमें FIR भी दर्ज कराई जाएगी। मंडला जिले के नैनपुर जनपद के ग्राम खिरखिरा के खरीदी केंद्र के वरदानों में आग लग गई है, जिसमें 14,000 वारदाने जलकर नष्ट हो गए हैं और प्रशासन का लाखों का नुकसान तो हो गया है। वारदानों की समस्या में किसानों को भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि वारदानों की कमी के कारण समय सीमा में किसानों की धान नहीं खरीदी जा सकती। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। उपार्जन केंद्र में लगी आग का कारण तो अभी अज्ञात कारण है, इसका कारण हम लोग नहीं पता कर पाए, लेकिन वहाँ से जो नुकसान हुआ है वो लगभग 14,000 से 16,000 बारदानों का नुकसान हो गया है, जल के वो नष्ट हो गए हैं। और साथ ही वहाँ नज़दीक में रखे हुए लगभग 10 क्विंटल एक किसान की उपार्जित की हुई धान का भी नुकसान हुआ है। तो इसमें हम लोग जाँच और करवा रहे हैं और पंचनामा वगैरह बना के रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें आगे जो भी कार्यवाही प्रावधान के तहत की जानी होगी वो हम लोग करेंगे। मंडला जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने में
असहयोग की बात की गई। दिए ज्ञापन के अनुसार बीते दिनों अधिवक्ता अर्जुन भांडे के साथ हुए हमले के बाद पुलिस जब इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस थाने में अधिवक्ता के प्रति पुलिस का असहयोग भरा रवैया सामने आया। इस बात को लेकर के जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष जांच की मांग के साथ ही मामले पर तत्परता न दिखाने वाले कर्मियों को निलंबित किए जाने की मांग की गई। अर्जुन भांडे हैं जो अधिवक्ता हैं, तो इनका एक ढाबे में कुछ असामाजिक तत्वों से झगड़ा हुआ था, उसमें इनके साथ में मारपीट की गई थी, जिसपे इनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई है 6 तारीख को इसमें इनकी FIR हुई है और मारपीट के संबंध में और SC ST धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इनका जो आरोप है कि प्रकरण पंजीबद्ध करने में देरी की गई। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए KNews India। नमस्कार।